हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग मेरे यूट्यूब फैमिली। मैं तो अभी थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ कि मैं कहाँ गई थी। और अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले बुलेट ट्रेन का दिखा रही हूँ आपको कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ पे बन रहा है और कितना काम चालू हो गया है। मैं सोची नहीं थी कि इतना जल्दी, मतलब कोई भी नहीं सोचा होगा कि इतना जल्दी बुलेट ट्रेन का और मेट्रो का इस एरिया में सब चालू हो जाएगा। तो मेट्रो का तो वीडियो मैं पहले डाली हुई हूँ, मेट्रो का काम 1 अप्रैल से चालू जो हो गया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा पहले तो मेरे चैनल पे आप जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेट्रो का भी काम चालू हो चुका है, उसका भी मैं डाल चुकी हूँ वीडियो मेरे चैनल पे। और यहाँ पे देखिए, ये जो गाड़ी है L&T का ही है और L&T कंपनी को ही इसमें बुलेट ट्रेन में काम मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो कंटेनर रखा हुआ है ना, इसमें स्टाफ के लिए है। L&T स्टाफ लोग यहीं पर रह रहे हैं, रुक रहे हैं। तो इनका ऑफिस है मतलब इस कंटेनर में। और आज मैं यहाँ से ये वीडियो दिखाते हुए आप लोगों को बुलेट ट्रेन का, और फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास कुर्ला में मेरा आज एक इलाज होने वाला है। एक न्यू डॉक्टर का पता चला है तो मैं सारा कुछ बताऊँगी, पर पहले चलिए सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब काम चालू हो गया है पूरा, पोकलेन वगैरह क्या क्या सब, और L&T के स्टाफ सब यहाँ पर हैं और जो भी वर्कर हैं सब लोग। तो देखिए, अब काम शुरू हो गया है, यहाँ फाउंडेशन वगैरह सब चालू हो गया है। और दूर ये जो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पानी पिलाने के लिए सबको आया हुआ है। और उधर दूर खड़ा एक ट्रेन जो है ना, वहाँ पे तो दूर में जो एक ट्रेन दिख रहा है ना, वहाँ पे ऊपर से फ्लाईओवर बन के और बुलेट ट्रेन वहाँ से क्रॉस करेगा और स्टेशन इसी एरिया में बनने वाला है। तो आप लोग को भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब जब, मतलब मैं इधर आऊँगी ना दीवा में, तो इसका वीडियो शूट करूँगी कितना काम हुआ क्या नहीं हुआ। और L&T के बहुत सारे स्टाफ दिखे यहाँ पे, मतलब इतना श्योर है कि L&T को ही काम है, प्रोजेक्ट मिला हुआ है। और L&T के जितने भी गाड़ी वगैरह सब L&T का ही नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ भी अगर देखा जाए तो दोनों साइड में काम चालू है, रोड के दोनों साइड। और बहुत ज़ोर शोर से, मतलब बहुत सारे स्टाफ भी थे यहाँ पे, बहुत ज़ोर शोर से काम चालू है। तो अब अच्छा है, बुलेट ट्रेन हो जाएगा तो हम सबके लिए, मतलब पूरा एरिया के लिए अच्छा हो जाएगा। और जिन्होंने मतलब फ्लैट लेके रखा हो इस एरिया में, उनका फ्लैट का रेट भी बढ़ जाएगा, रेंट पे भी अच्छा खासा जाएगा फ्लैट सबका। और अभी हम लोग लौट रहे हैं, फिर देखिए तो कंटेनर अच्छे से मैं दिखाते हुए लौट रही हूँ। और यहाँ से लौटते समय अभी हम लोग जाएंगे दीवा स्टेशन और वहाँ से जाएंगे कुर्ला। कुर्ला में आज मुझे एक डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, मेरा जो बीमारी है बहुत लंबा इलाज चल रहा है, बहुत सालों से है और ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया है, नस का प्रॉब्लम है, पर ऑपरेशन मुझे कराना नहीं है। डर लगता है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी लेता नहीं है। तो इसके लिए तो अभी हम लोग यहाँ से देखिए निकल रहे हैं, और ये सब रास्ते का व्यू अभी आ गया स्टेशन पे। और अभी हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं कुर्ला। तो कुर्ला में उतर के फिर आपसे मैं मिलती हूँ। और कुर्ला में अभी मैं जाऊँगी जो डॉक्टर के पास ना, तो जब मैं जा रही थी तब तो मेरा हालत ठीक था, पर उधर जाते ही इतने सारे इंजेक्शन लगाए गए मुझे कि मेरा हालत देखिएगा कैसा हो गया है घर आने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था शरीर में। इतना सारा इंजेक्शन लगा एक साथ ना, 30-35 की, मतलब मेरी हालत एकदम अजीब सी हो गई थी, क्योंकि इतना दुख रहा था ना, इतना दुख रहा था कि क्या बताऊं। और अभी भी मतलब मेरा पूरी तरह से एकदम, मैं ठीक नहीं हूँ, वीकनेस है शरीर में, बहुत कमज़ोरी हो रही है, पर ठीक है थोड़ा बहुत। मैं सोची कि चलिए एडिटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, और ये सब कुर्ला का ही इलाका है। देखिए, कुर्ला में ये जो डॉक्टर हैं कुर्ला में है, और अगर ठीक हो जाए मेरा तब मैं बहुत, मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि चलो एक अच्छा डॉक्टर से भेंट हो गया। क्योंकि इन डॉक्टर का मैं बहुत नाम सुनी हूँ, जिनके पास मैं जा रही हूँ इनका बहुत नाम है। एक मेरे सोसाइटी की भाभी बताई हैं, बोली हैं कि नहीं, मतलब इनका गारंटी रहता है, ठीक हो जाता है। पर मैं देख, कुर्ला अभी हम लोग पहुँच गए हैं। कुर्ला में तो डॉक्टर के पास अभी जाना है। यह है कुर्ला का एरिया। अभी हम लोग को लग गया है भूख, तो सोच रहे हैं कुछ खा ले। तो यहाँ पे देखिए, फल फ्रूट्स का एक मिला है काउंटर,
जो बहुत सजा के रखा हुआ है, फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, तो चलिए यही खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा ले रहे हैं और बहुत अच्छा लगा है फ्रूट्स वगैरह खा के, क्योंकि दोपहर थी और गर्मी भी हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग अभी जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो यार एक मंदिर है यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम लोग फ्रूट्स खा रहे थे ना वहीं पे, और डॉक्टर के पास गए हैं हम लोग। तो वहाँ पे ना वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की हूँ मैं, अरे डॉक्टर के पास से मैं लौट रही हूँ तब का मैं वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास अच्छा नहीं लगता ना, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। और फिर वो इंजेक्शन जब लगा रहे थे डॉक्टर, तो मैं भी बहुत रो रही थी, तो फिर अच्छा नहीं लगा। 30-35 इंजेक्शन मुझे लगा था, मुझे इतना रुलाई आया था, इतना ज़्यादा मुझे, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ। और डॉक्टर जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, इसलिए भी रोना आ गया था कि नहीं बेटा आपका ठीक हो जाएगा इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था उनका बातचीत, एक होता है ना डॉक्टर का। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुंबई के जितने भी डॉक्टर के पास आज तक मैं गई हूँ, उनको एटीट्यूड नहीं रहता है, उनको ये नहीं लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, बहुत प्यार से बात करते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए अभी हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप के पास, और अभी हम लोग अभी घर पहुँचने वाले हैं। तो इसमें आपको ब्लॉसम सिटी का भी दिखेगा थोड़ा बहुत वीडियो, और फ्यूचर एवेन्यू जो बन रहा है क्लस्टर 6 वो भी दिखेगा। और यहाँ पे बालाजी क्लासिका का देखिए दिख रहा है, ऑफिस एकदम तैयार है। उसके बाद देखिए बेतौड़े मार्केट जो है गणेश नगर, यहाँ पे जो छोटा मोटा ज़रूरत का सामान वगैरह जो होता है सब मिल जाता है। और फेस वन की तरफ से होते हुए अभी हम लोग जाएंगे, तो क्लस्टर 6 का भी बिल्डिंग आपको मतलब जो भी काम चालू है दिखेगा। और कल ही एक मैसेज, दो तीन कल कमेंट आया था कि ब्लॉसम का दिखाइए, ब्लॉसम का अपडेट दीजिए, तो ब्लॉसम का भी आपको दिखने वाला है अच्छे से बिल्डिंग, कितना काम हो गया है, आप लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को। और गार्डन के पास जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पे रोड भी दोनों साइड से चालू हो गया, वो भी मैं अभी दिखाऊँगी आपको। तो देखिए क्लस्टर 6 वाला एरिया में अभी मैं आ गई हूँ, क्लस्टर 6 यहीं पर जो पूरा पत्रा मारा हुआ है ना, इसी एरिया में अभी बन रहा है, काम चालू है देखिए। तो अब यहाँ से आपको ब्लॉसम का भी दिखेगा बिल्डिंग, देखिए ये क्लस्टर 6 जो पत्रा मारा हुआ है, और ये है ब्लॉसम का बिल्डिंग। तो ब्लॉसम का तो काफ़ी सारा काम हो गया, देखिए पेंटिंग वगैरह सब हो गया, रोड साइड से दिख रहा है। अब बहुत जल्द हो सकता है पोजीशन मिल भी जाए बहुत लोगों को, और जिनका घर होगा उनको पता ही होगा कि कब पोजीशन मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ रोड का कितना अच्छा से काम हो गया, सेंट्रल पार्क के पास ना दोनों साइड से रोड चालू हो गया, ब्लॉसम के तरफ से भी और गार्डन के तरफ से भी, तो काफ़ी अच्छा हो गया है पब्लिक के लिए भी, मतलब आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं है। और यहाँ पे आते आते तक तो ठीक था, जैसे जैसे मेरा इंजेक्शन का असर हुआ ना, घर आते आते मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद घर आने के बाद मेरा कैसा हालत था वो मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए रोड का काम कितना अच्छे से हो रहा है, और हो गया है कुछ तो, और थोड़ा मोड़ा यहाँ पे चालू है रोड का काम, और ये सब दुकान तो सब शटर लग के तैयार ही है। उसके बाद देखिए अब मैं घर आ गई हूँ, और घर आने के बाद देखिए मेरा हालत कैसा हो गया था, एकदम बीमार बीमार सा, और दो दिन तक मैं मतलब बेड से भी नहीं उठ पाई हूँ, इतना बीमार हो गई थी। इसीलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे वीडियो के लिए, पर मैं सोची कि थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, जो मोबाइल में शूट किया हुआ है वीडियो उसको तो मैं एडिटिंग करके डाल सकूँ, इतना तक ठीक हो जाऊँ, क्योंकि नया वीडियो तो अभी शूट करने के उसमें नहीं हूँ मैं, कहीं बाहर जाने की स्थिति में। पर जो भी वीडियो है मेरे मोबाइल में शूट पहले से 3-4, वो सब मैं धीरे धीरे करके एडिटिंग करके और डालूँगी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल भी ऑन कर लीजिएगा, इससे क्या होगा जब मैं कोई नई वीडियो देखता हूं।